गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। द लैग्रांजियन ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज जनरली एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन ऑल द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू आई, ऑल द जनरलाइज्ड वेलोसिटीज क्यू आई डॉट एंड टाइम टी। क्या कह रहा है इसमें कि जो लैग्रांजियन फंक्शन है वो किस किस का फंक्शन है, किस किस पर डिपेंड करता है, एक्सप्लिसिटली टाइम टी पर, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पर क्यू आई पर, और जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू आई डॉट पर, इन पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेयर एन यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब किन कोऑर्डिनेट्स को वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स बोलेगा, इफ़ सम ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स डू नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन द एक्सप्रेशन फॉर लैग्रांजियन, देन दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, एनी चेंज इन दीज कोऑर्डिनेट्स डू नॉट इफेक्ट द लैग्रांजियन। वो क्या कह रहा है, अगर ये लैग्रांजियन फंक्शन, वैसे तो इन तीनों का फंक्शन होता है, लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली इसमें कुछ जो है क्यू आईज नहीं आ रहे हैं, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का ये फंक्शन नहीं है डायरेक्टली, मतलब एक्सप्लिसिटली एल को हम उनके टर्म्स में एक्सप्रेस अगर नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम कह रहे हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि जब वो इस एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहे हैं तो ये इस पर डिपेंड भी नहीं करेगा, है ना। उसने लास्ट लाइन में यही कहा, एनी चेंज इन दीज कोऑर्डिनेट्स डू नॉट इफेक्ट द लैग्रांजियन, अगर उन पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो उन कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं कोई चेंज भी कर रही हूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इन कोऑर्डिनेट्स को इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स या फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट्स, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो एक्सप्लिसिटली इसमें नहीं आते, यानी कि सम ऑफ द जनरलाइज डू नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन द एक्सप्रेशन फॉर दिस लैग्रांजियन फंक्शन, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर वो एक्सप्लिसिटली नहीं आते हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं अब, द लैग्रांजियन फॉर अ प्रोजेक्टाइल मूविंग अंडर द अर्थ कॉन्स्टेंट फील्ड ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय, अगर एक प्रोजेक्टाइल है जो मूव कर रहा है अंडर द अर्थ कॉन्स्टेंट फील्ड ऑफ, अंडर द फील्ड ऑफ ग्रेविटी वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लैग्रांजियन फंक्शन क्या बनेगा, एल क्या होता था, टी माइनस वी, यानी कि टी तो क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या होती थी, पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, एच की बजाय इसने डिस्टेंस ले रखा है जेड, तो ये बन जाएगा एम जी जेड, तो उसके लिए लैग्रांजियन क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी जेड, ठीक है। कार्टीजियन में कन्वर्ट करोगे तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो L है, अब इसमें हम x, y, z देखेंगे कि आ रहे हैं या नहीं, जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हेयर x, y, z कार्टीजियन कोऑर्डिनेट है, लेकिन इस एग्जांपल में L सिर्फ किसका फंक्शन आया है, z का फंक्शन आया, अगर x, y, z की टर्म्स में देखें तो सिर्फ z इसमें आया है, x और y नहीं आए हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसीलिए x और y क्या बन गए हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x और y में अगर मैं कोई चेंजेस भी करूँगी तो इस एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लैग्रांजियन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ लैग्रांजियन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज गिवन बाय, लैग्रांजियन फंक्शन उसने दे दिया जो कि फंक्शन है एक्स और एक्स डॉट का, तो फाइंड द कोरस्पोंडिंग हैमिल्टोनियन, हमें उसके लिए कोरस्पोंडिंग एच निकालना है, ठीक है। तो एच निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ x जनरलाइज, यहाँ पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर i वेरिंग 1 टू n की जगह सिर्फ x का ही फंक्शन रहेगा, पी एक्स एक्स डॉट माइनस एल, एच ये बन गया। अब पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, p क्या होता था, कर्ल l बाय कर्ल x डॉट, ठीक है। p हम बोलते थे जनरलाइज मोमेंटम है, p कर्ल l बाय कर्ल q डॉट, यहाँ पर q की बजाय कोऑर्डिनेट चल रहा है x, तो पी एक्स बनेगा कर्ल l बाय कर्ल x डॉट, ठीक है। एल यहाँ पर दे रखा है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में कीजिए आप, तो क्या बनेगा, टू से टू कट जाएगा, सिर्फ एक्स डॉट बचा, उसके बाद एक्स डॉट ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो लास्ट टर्म में आएगा टू बीटा एक्स एक्स डॉट, तो पी एक्स डॉट ये आ गया, एक्स डॉट कॉमन निकाल लिया, ये पी एक्स आ गया। उसके बाद एच में इसकी वैल्यू पुट कर दी, पी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी, एल की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स डॉट स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स कोफिशियंट इकट्ठे कर लिए, तो हमारे पास एच एक्सप्रेशन ये आ गया, एच ही क्या होता है, हैमिल्टोनियन, तो विच इज द रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन जो हमें निकालना, तो हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। हैमिल्टन पीछे मैंने आपको बताया था हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, और मैंने कहा था आगे इसको प्रूव करेंगे, तो इस आर्टिकल में अब हम प्रूव करेंगे। जो हम हैमिल्टन इक्वेशन निकालेंगे वो हम डोंकिंस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने डोंकिंस थ्योरम पढ़ी थी, उसको प्रूव भी किया था, तो उसकी हेल्प से हम हैमिल्टन इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। टू डिराइव दीज इक्वेशंस, ये हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन डिराइव करने के लिए वी यूज डोंकिंस थ्योरम,
to make the transition from Lagrangian variable to Hamiltonian variable. Lagrangian variable को Hamilton variables में convert करने के लिए, ये transition बनाने के लिए हम किसका use करेंगे? Donkin's theorem का. ठीक है, तो वी रिप्लेस इन Donkin's theorem. क्या क्या चेंजेस करेंगे हम उसमें? जो Donkin's theorem में x था उसको आप रिप्लेस कर दो L Lagrangian function से. जो वेरिएबल्स है x1 x2 xn उनको चेंज कर दो q1 dot q2 dot up to so on qn dot से. और जो पैरामीटर्स थे alpha1 alpha2 alpha m उनको चेंज कर दो किससे? q1 q2 qn से और t से. ठीक है, y1 y2 yn को चेंजेस करना है p1 p2 pn से. तो आपको Donkin's theorem में ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करनी है. ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास एक्सप्रेशन अब क्या आएंगे, अब हम वो देखते हैं. पहले y को जब x के टर्म्स में वहाँ लिखा था Donkin's theorem में, तो ये फॉर्मूला आपने लगाया था y समेशन xi yi माइनस x. ठीक है, तो अब h को l में कन्वर्ट करेंगे. पीछे मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, अब ये आया कहाँ से वो मैं बताती हूँ. Donkin's theorem में अब हम ये चेंजेस करेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा. देखिए, जो xi है उसको रिप्लेस करना है qi डॉट से, और जो yi है उसको रिप्लेस करना है pi से. तो ये बन जाएगा pi qi डॉट माइनस x को चेंज कर दिया l से, तो ये h हमारे पास आ गया. ठीक है, उसके बाद अब pi का फॉर्मूला क्या था? कर्ल l बाय कर्ल qi डॉट. ठीक है, तो बाय Donkin's theorem इट इज़ कैलकुलेटेड दैट. Donkin's theorem में देखो, एक फॉर्मूला तो हमने ये ले लिया, अब दूसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं. हैमिल्टन्स इक्वेशन में दो इक्वेशन है, वो निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? पीछे ये गिवन ट्रांजिशन थी आपके पास, एक्स आई इक्वल टू कर्ल वाई आई बाई कर्ल वाई आई. ठीक है, Donkin's theorem की स्टेटमेंट देखना, ये गिवन थी आपके पास. तो यहाँ से अब वैल्यूज पुट करो, एक्स आई की जगह आप क्या चेंजेस करोगे? एक्स आई की जगह पर आप वैल्यू क्या रखोगे? क्यू आई डॉट. ठीक है, तो इसकी जगह पर तो क्या आ गया? क्यू आई डॉट. फिर कर्ल वाई, वाई के को किससे रिप्लेस किया है? एच से. ठीक है, तो वाई को जब एच से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा कर्ल एच बाय कर्ल वाई आई. वाई आई की वैल्यू क्या है? पी आई. तो ये जब इसमें चेंजेस करोगे तो आपके पास ये क्या बन गया? क्यू आई डॉट इक्वल टू कर्ल एच बाय कर्ल पी आई. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई Donkin's, जो सॉरी Hamilton's इक्वेशन है उसकी एक इक्वेशन तो ये आ गई. अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए जो हमने वहाँ पर सेकंड इक्वेशन प्रूव की थी उसका यूज़ करेंगे. वहाँ पर हमने प्रूव किया था कर्ल वाई बाय कर्ल अल्फा जे इक्वल टू माइनस कर्ल एक्स बाय कर्ल अल्फा जे. वाई को चेंज करोगे एच से, एक्स को चेंज करोगे एल से, अल्फा जे की वैल्यू, अल्फा जे को रिप्लेस करना है एक बार क्यू आई से और एक बार टी से. तो दो इक्वेशंस बनेंगी, पहले अल्फा जे को की जगह रखा क्यू आई, तो ये क्या बनेगा? कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू माइनस कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई. ठीक है, और एक बार अल्फा जे को टी रखोगे तो कर्ल एच बाय कर्ल टी इक्वल टू माइनस कर्ल एल बाय कर्ल टी. तो ये दो इक्वेशन आएंगी इस इक्वेशन से. ठीक है, अब लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या थी? डी डी टी ऑफ कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब ये वैल्यूज़ पुट करो. ये वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे तो देखो, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट की वैल्यू क्या आई हुई है सेकेंड इक्वेशन से? पी आई. तो इसकी जगह पर हमने रख दिया पी आई. और माइनस कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई की वैल्यू क्या आई हुई है? कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई. तो इसकी जगह पर रख दिया प्लस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू जीरो. ये तो बन गया पी आई डॉट. तो पी आई डॉट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई. ठीक है, तो दो इक्वेशंस कौन सी आई हैं? एक तो इस फर्स्ट ट्रांजिशन से जो आई है, और दूसरी सेकंड का यूज़ किया हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो सेकंड ही आई है. तो आपको ये ध्यान रखनी है, दोनों इक्वेशंस क्वेश्चंस में ये बार बार यूज़ होंगे. आगे आप अब एग्जांपल्स करोगे हैमिल्टन इक्वेशंस का, तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है. एक तो क्या है, क्यू आई डॉट किसके इक्वल आया है? कर्ल एच बाय कर्ल पी आई के. ठीक है, और दूसरा पी आई डॉट किसके इक्वल आया? माइनस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई के. ये माइनस एच बाय कर्ल क्यू आई जो इक्वेशन आई थी. ठीक है, क्यू आई डॉट रख रहे हो तो नीचे पी आई आ रहा है, पी आई डॉट रख रहे हो तो नीचे क्यू आई आ रहा है, और इसके साथ माइनस साइन भी आ रहा है. तो ये क्या निकाला हमने? हैमिल्टन्स इक्वेशन को डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ Donkin's theorem. उसके बाद अब हम एग्जांपल्स करते हैं हैमिल्टन इक्वेशन के. फर्स्ट देखिए, तो जब सारे एग्जांपल्स में सेम रूल, सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स आएंगे. क्या करना आपको? पहले ये देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? हैमिल्टन इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? पी आई डॉट चाहिए, क्यू आई डॉट चाहिए, और एच के डेरिवेटिव चाहिए इनके रिस्पेक्ट में. तो पहले एच निकालना पड़ेगा. तो सारे क्वेश्चंस में पहले आप एल निकालोगे, उसके बाद
एल क्यों निकालोगे? क्योंकि एच के फॉर्मूले में यूज़ होगा एल, तो एल निकाल के फिर आप एच निकालोगे, एच निकालने के बाद आप वो दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हैमिल्टन इक्वेशन निकालोगे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन अ फोर्स फील्ड ऑफ पोटेंशियल वी, राइट द हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और फोर्स ऑफ पोटेंशियल क्या है, वी है, ठीक है। इस फोर्स के साथ वो मूव कर रहा है, तो हमें हैमिल्टन इक्वेशन निकालनी है कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो एल देखिए, पहले एल क्या होता था, टी माइनस वी, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, टी तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर, कार्टिजियन में क्या बन जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर प्लस जेड डॉट स्क्वेयर, और वी वी रहेगा जो कि किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं क्योंकि अब दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो एल हमारे पास बन गया है ये, इसके इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दिया। अब एच निकालेंगे, एच का फॉर्मूला क्या था, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखोगे तो पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट और माइनस एल एज इट इज़ रखा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, सेकंड, ठीक है। अब रिलेशन यूज़ करते हैं, पहले हम यूज़ करेंगे, पहले हम पी आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पी आई के लिए इक्वेशन क्या आई थी, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट, तो ये निकालेंगे पहले पी आई की वैल्यू इसकी हेल्प से, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो पी आई की वैल्यू निकालने के लिए कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया, यहाँ पर आपको चाहिए पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी एक्स बनेगा कर्ल एल बाय कर्ल एक्स डॉट, पी वाई बनेगा कर्ल एल बाय कर्ल वाई डॉट, और पी जेड क्या बनेगा, कर्ल एल बाय कर्ल जेड डॉट। एल की वैल्यू आपने निकाल ही रखी है, तो एल की, एल को पार्शियली डेरिवेटिव करोगे पहले एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या बचेगा, टू एम एक्स डबल डॉट, जब सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव करो वो बनेगा टू एम एक्स डॉट, टू से टू कट जाएगा, सिर्फ एम एक्स डॉट बचेगा, ऐसे ये एम वाई डॉट बचेगा, ये एम जेड डॉट बचेगा, तो यहाँ से हमने एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद अब इन वैल्यूज़ को आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर टू में, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या बन गई, एक्स डॉट को रखोगे पी एक्स बाय एम, तो ये बन गया पी एक्स स्क्वायर बाय एम, सिमिलरली सेकंड बनेगी पी वाई स्क्वायर एम पी जेड स्क्वायर बाय एम माइनस एल, ठीक है। अब एल की वैल्यू भी पुट कर दी, एल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाल रखी है, वो वैल्यू पुट कर दी, ये एलसीएम लोगे तो आपके पास एम स्क्वायर से एक एम कट जाएगा, तो ये बनेगा हाफ माइनस हाफ पी एक्स स्क्वायर बाय एम, वन में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, हाफ पी एक्स स्क्वायर बाय एम, ऐसे ये दोनों टर्म आएंगी प्लस वी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गई, एच की वैल्यू निकल गई। अब हम हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन निकालेंगे, तो हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, दो इक्वेशन आई थी आपके पास, एक तो पी आई डॉट माइनस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई और दूसरा क्यू आई डॉट कर्ल एच बाय कर्ल पी आई, ठीक है। पहले फोर्थ इक्वेशन से पी एक्स डॉट निकालोगे तो वो बनेगा माइनस कर्ल एच बाय कर्ल एक्स, ठीक है, यानी कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स की टर्म्स है ही नहीं, सिर्फ वी बनेगा एक्स का फंक्शन, तो वो बन जाएगा माइनस कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। ऐसे ही पी वाई डॉट निकालोगे वो बनेगा माइनस कर्ल वी बाय कर्ल वाई और पी जेड डॉट बनेगा माइनस कर्ल वी बाय कर्ल जेड, इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पी एक्स डॉट पी वाई डॉट पी जेड डॉट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, और वो आप कहाँ से निकालोगे, फिफ्थ इक्वेशन से, जो हैमिल्टन की सेकंड इक्वेशन थी, वहाँ से आप पहले क्यू डॉट क्यू आई की वैल्यू एक्स वाई जेड रखोगे तो आपके पास एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट निकल जाएगा, एक्स डॉट क्या आएगा, कर्ल एच बाय कर्ल पी एक्स, एच की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकाल रखी है, पी एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कीजिए तो टर्म बचेगी पी एक्स बाय एम, ऐसे ही वाई डॉट आ गया जेड डॉट आ गया, तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एम एक्स डॉट, यहाँ से एम वाई डॉट एम जेड डॉट, ये पहले भी आप निकाल चुके हो वैसे, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू निकालने के बाद आप स्टार इक्वेशन में, जो पहले वाली इक्वेशन आई थी उसमें पुट कर दीजिए पी एक्स डॉट पी वाई डॉट पी जेड डॉट की वैल्यू, तो जब आप पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पी एक्स डॉट की वैल्यू पुट करो एम एक्स डॉट, ठीक है, उसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में वो बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट, और इसको भी इधर ले जाइए प्लस कर्ल वी बाय कर्ल एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। अब हर एग्जांपल में आपको यही काम करना है, एक एग्जांपल और करा देती हूँ मैं, डिराइव हैमिल्टन इक्वेशन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल दोनों कोऑर्डिनेट्स में निकालना है, पहले सिलेंड्रिकल, तो उनके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, पहले सिलेंड्रिकल के लिए करते हैं, सिलेंड्रिकल के लिए
एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा और जेड क्या होता है जेड ही। टी की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट जेड डॉट स्क्वायर। अब आपको काम क्या करना है, पहले यहाँ से x डॉट की वैल्यू निकालो, x डॉट जब निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि आप जब r और थीटा दोनों ही t के फंक्शन है, x डॉट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, r डॉट cos थीटा और फिर माइनस r sin थीटा थीटा डॉट, ऐसे ही y डॉट निकाल लो, ऐसे ही z डॉट निकाल दो, उनका स्क्वायर करके इसमें वैल्यूज पुट कर दो, उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये t की वैल्यू आ जाएगी। ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। v जो x y z का फंक्शन था, अब वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो किसका फंक्शन बन जाएगा, r थीटा z का। अब L कैसे निकालते थे, T माइनस वी, देखिए हरे क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, T माइनस वी निकाला, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, इक्वेशन नंबर वन डाल दिया। अब क्या निकालना है, H, तो H निकालने के लिए समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस L। अब R थीटा Z की टर्म्स में निकालना है, तो पी आर आर डॉट फिर प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट और माइनस में L, ये काम करेंगे। तो यही काम किया हमने, H का इनके टर्म्स में लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया टू, ठीक है। अब पी आर पी थीटा पी जेड की वैल्यू निकालनी है किस एक्सप्रेशन की हेल्प से, पी आई इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट। तो पी आर निकालोगे, पी आर क्या बनेगा, कर्ल एल बाय कर्ल आर डॉट। तो एल का डेरिवेटिव, पीछे एल निकाला था उसका आर के डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो बनेगा एम आर डॉट, ठीक है। तो आर डॉट की वैल्यू क्या आ गई, पी आर बाय एम, आर डॉट की वैल्यू निकाल दी। फिर इसी तरीके से थीटा डॉट की निकाल दोगे, जेड डॉट की निकाल दोगे, वो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे तो एच आप और एल की वैल्यू भी पुट कर देना, तो एच आपके पास ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हैमिल्टन इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे, पी आई डॉट इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाय कर्ल क्यू आई। तो यहाँ से पी आर डॉट निकालोगे, माइनस कर्ल एच बाय कर्ल आर, इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आर देखो किस टर्म में, एक तो इस टर्म में है और एक वी तो आर का फंक्शन है ही, तो यहाँ से तो बन जाएगा माइनस कर्ल वी बाय कर्ल आर, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन के साथ पी थीटा स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही पी थीटा डॉट, पी थीटा इसमें तो है ही नहीं तो सिर्फ वी बनेगा, माइनस कर्ल वी बाय कर्ल थीटा। ऐसे ही पी जेड डॉट निकालने के लिए जेड इसमें नहीं है तो माइनस कर्ल वी बाय कर्ल जेड, ये सारी वैल्यूज निकाल दी। ये वैल्यूज निकाल के आप इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हो, स्टार। अब यहाँ से पी आर डॉट पी थीटा डॉट पी जेड डॉट की वैल्यू निकालोगे, उसके लिए सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे, क्यू आई डॉट इक्वल टू कर्ल एच बाय कर्ल पी आई। तो पहले आर डॉट निकालोगे, आर डॉट निकालने के लिए कर्ल एच बाय कर्ल पी आर, एच निकाल ही रखा है, पी आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे वो आएगा पी आर बाय एम, तो पी आर आपके पास आ गया एम आर डॉट। तो यहाँ से पी आर डॉट की वैल्यू निकाल दोगे, वो बन जाएगा एम आर डबल डॉट, ठीक है। ऐसे ही फिर थीटा डॉट निकालना है, फिर जेड डॉट निकालना है, वहाँ से पी थीटा पी जेड की वैल्यूज निकालनी है, फिर इक्वेशन स्टार में उनका डेरिवेटिव करके वैल्यूज पुट करनी है, तो ये तीन इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा साइन फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कोस फाई, ठीक है। टी निकालने के लिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। एक्स डॉट निकालने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे, वाई डॉट निकालोगे, जेड डॉट निकालोगे, इसमें पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर वी आर थीटा फाई का फंक्शन है, फिर एल की वैल्यू निकालनी है, टी माइनस वी क्वेश्चन नंबर वन डाल दिया, फिर एच की वैल्यू निकालनी है, आर थीटा फाई का फंक्शन है तो पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी फाई फाई डॉट और माइनस एल, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फिर पी सॉरी आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट की वैल्यू निकालने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, पी आई इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट। तो यहाँ से पी आर निकल जाएगा, यहाँ से आर डॉट की वैल्यू निकाल दी, फिर थीटा डॉट की, फिर फाई डॉट की, वो सारी वैल्यूज इसमें क्या करनी है, पुट करनी है, वही सारा काम करना है। उसके बाद H निकल जाएगा, H निकालने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डालना है। फिर हैमिल्टन इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन पी आई डॉट यूज़ करोगे, माइनस कर्ल H बाय कर्ल क्यू आई। तो यहाँ से पी आर डॉट निकालोगे, पी थीटा डॉट निकालोगे, फिर पी फाई डॉट निकालोगे, वो सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड इक्वेशन यूज़ करके आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट वैल्यू निकालोगे, उनसे पी आर पी थीटा पी फाई निकल जाएगा। फिर उनका डेरिवेटिव निकालना है, पी आर डॉट पी थीटा डॉट पी फाई डॉट, वो सारी वैल्यूज़ निकाल के इस स्टार इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हर एक एग्जाम्पल में आपको यही सारा काम करना है। तो ये जितने भी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं, पांच एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ के देख लेना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है इन एग्जाम्पल्स में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एग्जाम्पल में आपको यही करना है, पहले
एल निकालना है, एल के लिए पहले टी निकालोगे, तो सबसे पहले तो टी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर एल इक्वल टू टी माइनस वी रखना है, ठीक है। उसके बाद उसको इक्वेशन नंबर वन डालना है, फिर एच निकालना है, एच का फॉर्मूला आपको पता ही है, एच के फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करके उसके बाद उसको इक्वेशन नंबर आप क्या डाल दोगे सेकेंड। उसके बाद फिर आपको उसको किसकी टर्म्स में निकालना है, वहाँ से जिसका भी फंक्शन है, जैसे एक्स वाई जेड का या आर थीटा जेड का या आर थीटा फाई, जिसका भी फंक्शन आ रहा है वहाँ से आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट, यानी कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, उन सब की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दोगे तो एच आपका इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज मोमेंटम आ जाएगा, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड डालना है। फिर हैमिल्टन इक्वेशनिकल इक्वेशंस यूज़ करनी है, इस इक्वेशंस में आप वैल्यूज़ पुट करोगे, उसको स्टार नाम डालोगे, फिर यहाँ से वो वैल्यूज़ निकालोगे पी आई डॉट की और वो इसमें पुट कर दोगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड हैमिल्टन इक्वेशंस